हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं डॉक्टर उमाशंकर सिंह, मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज मैं आपके लिए हेमामेलिस गोल्ड ड्राप लेकर आया हूं, जो कि बवासीर के लिए या फिर कहें तो पाइल्स के लिए बहुत ही बेहतरीन ड्राप है। ये देखिए, इस तरह का ड्राप आता है, हेमामेलिस गोल्ड ड्राप। इसको आज मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ, कब यूज करते हैं, क्यों करते हैं, इसका डोजेज क्या होता है, एमआरपी क्या होती है, सब कुछ बताऊंगा। लेकिन बताने से पहले एक बार मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊं आपको आसानी से मिल जाए। और इसको लाइक एंड शेयर जरूर करते रहिएगा, ताकि मुझे भी मोटिवेशनल मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए, ये है हेमामेलिस गोल्ड ड्राप। ऊपर लिखा हुआ है उसके एडविन, यानी कि एडविन कंपनी ने बनाया है इसको। नीचे लिखा है नेट क्वांटिटी 30 ml, यानी 30 ml होम्योपैथिक मेडिसिन है। तो साथियों, ये जो ड्राप है आपकी कहें तो पाइल्स के लिए बहुत ही बेहतरीन वर्क करता है। जब भी आपको बवासीर हो जाती है, जलन होती है, दर्द होता है, मस्से बन जाते हैं, ब्लीडिंग वाली पाइल्स है, बादी पाइल्स है, आपको पेन होता है, जैसे आप लैटिन कर रहे हैं तो उस टाइम भी बहुत ज्यादा असहनीय दर्द होता है, जलन होता है, रहा नहीं जाता है, बैठते हैं दर्द होता है, तो उस कंडीशन में आपको ये ड्राप लेना चाहिए, जिससे कि बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। अगर आपको ब्लीडिंग हो रहा हो तो ब्लीडिंग के लिए तो ये रामबाण मेडिसिन है। अगर आपकी ब्लीडिंग हो रही है तो आप इसको लेंगे तो बहुत बेहतरीन आपको रिजल्ट देखने को मिलता है, क्योंकि मैंने अपने क्लिनिक पर आजमाया हुआ है। ये जो मेडिसिन है, ये मेडिसिन ब्लीडिंग के लिए बहुत बेहतर वर्क करती है। लोग बहुत ही इस मेडिसिन को कहें तो खोजते हुए भी पहुंचाते हैं। अगर कहीं से लिया है तो कुछ दिन लेने के बाद अगर उनको दिक्कत समाधान हो जाता है तो कुछ दिन बाद उनको याद आता है कि वही मेडिसिन लेना होगा। तो साथियों, ये हेमामेलिस गोल्ड बहुत बेहतरीन ड्राप में से है, यानी कि है कि तो जो भी ड्राप्स आते हैं उन ड्रापों में ये भी ड्राप एक बहुत ही बेहतरीन ड्राप है, जो कि हेमामेलिस गोल्ड ड्राप के नाम से आता है। तो सबसे पहले इसकी बात करेंगे साथियों, जो इस पे कंपोजिशंस पड़े हुए हैं, यानी कि जो इसमें कंपोजिशंस पड़ा हुआ है उसकी बात करेंगे। एसिडम नाइट्रिकम, एस्कुलस हिप, कोलिनसोनिया, ग्रेफाइटिस, हेमामेलिस, काली कार्ब, लाइकोपोडियम, पियोनिया, सल्फर, इतनी चीजें, यानी कि इतनी मेडिसिन इसमें डली हुई हैं, जो कि इस ड्राप को बहुत ही बेहतरीन बना देती हैं। इसके बाद बात करेंगे इसके इंडिकेशंस की। तो इंडिकेशंस में लिखा हुआ है इनगॉर्ड रेक्टल वेन एंड इचिंग, ब्लीडिंग पर रेक्टम, एनल फिसर एंड एनल इग्जिमा। तो एनल इग्जिमा के लिए है, ऐसा नहीं है कि आपके शरीर पे कहीं इग्जिमा हो जाए तो उसके लिए आप यूज करने लग जाएं, नहीं, ऐसा नहीं। तो इंडिकेशंस बहुत बेहतर इस पे लिखा हुआ है कि रेक्टल वेन, यानी कि जब भी आपकी रेक्टम में जो वेन्स होती हैं, अगर उसमें स्वेलिंग हो जाती है तो आप इसको लेंगे। इचिंग है एनल में, यानी कि एनस में अगर खुजली हो रहा है, दर्द हो रहा है, ब्लीडिंग हो रहा है, तो ब्लीडिंग पर रेक्टम, यानी कि अगर रेक्टम से ब्लीडिंग हो रहा है तो बहुत बेहतरीन वर्क इस ड्राप का है। एंड फिसर भी जब बन जाते हैं तो भी आपको, यानी कि उसमें एक धारीनुमा स्क्रैच बन जाता है, जिससे कि लैटिन पर ब्लड लग के आने लगता है, तो उस कंडीशन में आपको इसको लेना होगा। अगर डोजेज की बात करें तो इसका जो डोज होता है 20 ड्राप्स होता है थ्राइस डेली, यानी कि 20 बूंद सुबह में, 20 बूंद दोपहर में, फिर 20 बूंद शाम को, तीनों टाइम लेना होता है। जब आपको आराम मिल जाए, ब्लीडिंग बंद हो जाए, तो आपको 20 बूंद सुबह में और 20 बूंद शाम को दो टाइम कर लेना होगा कुछ दिनों के लिए। फिर आपको 20 बूंद सिर्फ एक टाइम लेना होगा कुछ दिनों तक। इसके बाद इस मेडिसिन को आप बंद करेंगे, एकाएक बंद नहीं करना होता है। तो साथियों, इस पे ये डोजेज हैं। अगर बच्चों के लिए बात करें तो अगर बच्चों में देना है तो सीधे आपको इस ड्राप का हाफ कर लेंगे, यानी 10 ड्राप सुबह में, 10 ड्राप दोपहर में और 10 ड्राप शाम को दे सकते हैं बच्चों की कंडीशन में। तो साथियों, ये हो गया इसकी जानकारी। और इस पे मैं आपको एमआरपी की बात करूं तो जो इसकी एमआरपी है 175 रुपीज है, यानी कि 175 रुपए है। इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग डेट है सितंबर 2023 है और एक्सपायरी डेट है अगस्त 2028।
तो साथियों ये इसकी हुई पूरी जानकारी। मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आप इस ड्राफ्ट को लेंगे तो आपको बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलेगा और ड्राफ्ट के तुलना में। तो साथियों इस वीडियो में बस इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, धन्यवाद साथियों।